इस किसान ने अपने फूलों की खेती को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 12 बोरवेल की खुदाई कराई। उन्होंने बोरवेल खोदने के लिए करीब 40 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन सभी बोरवेल खराब हो गए। हालांकि उन्होंने तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी और करीब 6 करोड़ लीटर के भंडारण क्षमता वाले तालाब का निर्माण कर दिखाया। डोडा बल्लापुरा तालुका के डोडा हज्जाजी गांव में रहने वाले किसान रवि कुमार ने अपने 8 एकड़ के पाली हाउस में गुलाब की खेती की है। उनका गुलाब कई देशों में निर्यात किया जाता है और स्थानीय बाजारों में भी बेचा जाता है। वे फूलों की खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने 150 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया है। रवि कुमार के पास 20 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से 8 एकड़ भूमि का उपयोग वे अपने पाली हाउस में फूलों की खेती के लिए करते हैं, जहां वे 12 किस्मों के गुलाब की खेती कर रहे हैं। बारिश के मौसम में पानी बर्बाद हो जाता है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने तालाब का निर्माण करके पानी बचाने का संकल्प लिया। पानी को स्टोर करने और तालाब बनाने के लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है। मैंने एक तालाब का निर्माण किया है जिसमें 6 करोड़ लीटर पानी जमा हो जाता है। इससे पहले मुझे बोरवेल से पानी नहीं मिलता था, जबकि मैंने 1400 फीट का गहरा गड्ढा खोदा था। अब मुझे अपने फूलों के उत्पादन के लिए 100% वर्षा जल मिल रहा है। अब तक रवि कुमार ने अपनी जमीन में 12 बोरवेल खोदे हैं। 1400 फीट गहरे बोरवेल खोदने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिला। हालांकि इसमें करीब 40 लाख रुपए भी बर्बाद हो गए। इसलिए उन्होंने अपने फूलों की खेती को सुरक्षित रखने के लिए पानी के वैकल्पिक स्रोत की तलाश की और वर्षा जल संचयन के लिए एक विचार लेकर आए। 1.5 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने 10 मीटर गहरे तालाब का निर्माण किया और इसके लिए 32 लाख रुपए खर्च किए। मैंने खेत को तालाब बनाने में 1.5 से 2 महीने का समय लगाया है। इसके लिए 2 हिताची, 10 लॉरी और जेसीबी का उपयोग करके करीब 32 लाख रुपए खर्च किए और तालाब का निर्माण किया। 12 बोरवेल खोदने के लिए मैंने 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए थे। प्रत्येक पॉली हाउस के लिए जल निकासी का निर्माण किया और वह पानी इसी ड्रेनेज से गुजरकर तालाब में जमा हो जाता है। पाली हाउस पर जो बारिश गिरेगी वह पानी एक पाइप में एकत्र हो जाएगा और नाली में चला जाएगा। जल निकासी से होते हुए यह तालाब में इकट्ठा हो जाएगा। इसमें 6 करोड़ लीटर भंडारण क्षमता है। इसके भरने के बाद एक वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी। रवि कुमार ने कहा कि दरअसल बोरवेल के पानी में नमक होता है और यह फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है, जबकि बारिश का पानी बोरवेल के पानी से अधिक उपज देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।